क्या शुभ नाम हुआ? सुजीत कुमार चौधरी। किस पंचायत से किस पद के लिए नामांकन करा के क्षेत्रों में समाज सेवा करने आ रहे हैं? दुसमुरी बिशनपुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 से है। मुखिया पद हेतु हमारा छाप है मोमबत्तियाँ छाप। क्रमांक संख्या हमारा 10 है जी। मोमबत्ती छाप मिलेगा 10 नंबर। अच्छा ये बताएं, आप तो लगातार इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, क्षेत्रों में भी लगातार आप जा रहे हैं, निवर्तमान के जो भी प्रतिनिधि थे, कितना गांव में विकास हुआ, कितना काम हो पाया, ये बताएं। ये तो जनता की बात है, ये जनता बताएगी क्या विकास हुआ है, कहाँ काम हुआ है, अन्यथा नहीं हुआ है, वो जनता की मन की बात है। और जनता खुश टटोल रही है कि कहाँ काम हुआ है अथवा नहीं हुआ है। क्योंकि आप क्षेत्रों में जाते होंगे तो क्षेत्र की जनता आपसे कहती होगी उनको समस्या के बारे में, क्या कहती है क्षेत्र की जनता आपसे? बिल्कुल क्षेत्र में जाते हैं। बिल्कुल जरूर बतियाता है कि कहीं गली नहीं बना है तो कहीं नाला नहीं बना है। खैर उनकी मैटर है, वो जनता खुद अपने आप में, हाँ जनता खुद बोल रहा है और जनता इस बात को समझ रहा है। तो खैर हम इसके बारे में हम प्रतिद्वंदी हैं नहीं बताएंगे। इंदिरा आवास में अब जहाँ मिला है, जिस प्रकार का मिला है, वो भी तो जनते की बात है। अब हमको मिला है, हम तो बता नहीं सकते भाई कि क्या हुआ है। हम वार्ड में थे क्या? नहीं वार्ड नहीं है, हम आज तीसरे बार फिर मुकेश खड़े हैं। हर बार हम दूसरे नंबर पर रहते हैं और इस बार हम चाहेंगे कि जनता हमारी साथ है और जनता हमें साथ देगी। और मौका परिवर्तन का है, हम जनता से ज़रूर कहेंगे कि एक अच्छे भले इंसान को आप इस मुखिया पद का दायित्व दें ताकि आपका काम विकास अच्छा से हो सके और आपका सम्मान सबको जोग सके। पहले आप अगर जीत के आएंगे तो किस किस मुद्दे पे जनता के पास काम करेंगे ये बताएं आप? जनता का जो मुद्दा है कि हर जगह एक अच्छा सा विकासशील रास्ता बनना चाहिए। जनता की बहुत सा मजबूरियां हैं जो कि हम घर घर गए हैं और देखे हैं, कहीं बताया जा रहा है कि मुखिया जी हमारे पास नाम भी आया था लेकिन नहीं हुआ। अच्छा। तो खैर चलिए, जो हुआ वो जनता जान रही है, उसके बारे में हम क्या विशेष बताएंगे। आपका क्या मुद्दा रहेगा, कौन कौन का आप काम कीजिएगा ये बताइए। हमारा मेन मुद्दा है, इस समाज में लगभग 2001 से हम चल रहे हैं, 2001 से बड़ी गौर से देखे हैं ये जनता, खास करके दुसमुरी बिशनपुर पंचायत की जनता काफ़ी भोला भाला है। अच्छा। जिसको एवं प्रकार के ठगने का प्रयास किया जाता है, अपना अपना रूप दिखाते हैं, बहला फुसला कर करके वोट ले लेते हैं और बनते हैं एक दायित्व, अपने आप को लेते हैं कि दायित्व हम अच्छे से अच्छे विकास करेंगे, लेकिन ऐसा हम भी देख रहे हैं अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। पंचायत का सबसे बड़ा चीज़ का कमी है, तो इस पंचायत में सबसे बड़ा कमी है शिक्षा और स्वास्थ्य का, शिक्षा और स्वास्थ्य का, जो कि हमारे पंचायत बता रहा है। हम जब यहाँ 2001 में, हम इससे बहुत दूर में रहते थे, कलकत्ता में हम अपना पढ़ाई लिखाई किए थे, तो जब हमने आए तो एक एक बच्चा को मैंने क्रिकेट खेल के मैदान में ले आया क्रिकेट खेलने के लिए। वो एक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा प्रतीक है, स्वास्थ्य मजबूत होगा तब तो डिग्री भी उसका सफल होगा, स्वास्थ्य मजबूत नहीं है तो डिग्री कोई काम का नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन भी बढ़िया होना चाहिए। शिक्षा पर जाइएगा, स्वास्थ्य पर जाइएगा, एकदम बिल्कुल शिक्षा और स्वास्थ्य को एकदम बिल्कुल मजबूत करेंगे, क्योंकि मैंने बारीकी ढंग से देखा है, शिक्षा और स्वास्थ्य काफी मजबूत करना है। चलिए ज्यादा से ज्यादा मत देने के लिए जनताओं को क्या कहना चाहिए? हम अपील करेंगे, जनता आप मालिक हैं, भगवान हैं, एक अच्छे ढंग से सोचिए और अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को चुनिए, हम आपके साथ हैं, आप हमको साथ देने का कृपा करें। मोमबत्ती फिर बहुत सौभाग्य की बात है कि मोमबत्ती हमें फिर दोबारा मिला है। आए हो मोमबत्ती तो दिवाली में भर लो, भाई पाँचे मिनट में गल जाए छे, कैसे काम चलता है? पाँच दे रोशनी, मोमबत्ती छाप जिंदाबाद, मोमबत्ती छाप जिंदाबाद, मोमबत्ती छाप जिंदाबाद, मोमबत्ती छाप जिंदाबाद, जीत मुखिया जिंदाबाद, दोस्तों जिंदाबाद।